बेसिक्स दिया हुआ है इनपुट आउटपुट का, स्ट्रीम एंड स्ट्रीम क्लासेस के बारे में बताया हुआ है, बाइट स्ट्रीम क्लासेस, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस, प्री डिफाइंड स्ट्रीम, रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू कंसोल, मतलब आप कुछ इनपुट देते हो उसके बेसिस पे, मतलब सिलेक्शन जैसे हम सी प्लस प्लस में करते आए ना कि एंटर आ नंबर, इस तरीके से कंसोल पे हम रीडिंग और राइटिंग करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, द ट्रांजिएंट एंड वोलेटाइल मॉडिफायर्स और यूजिंग इंस्टेंस ऑफ नेटिव मेथड्स। तो सबसे पहले देखें इनपुट आउटपुट बेसिक्स क्या होता है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट क्या है, जावा इनपुट, जावा आईओ की बात होगी, जावा इनपुट एंड आउटपुट ये यूज होते हैं टू प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। इनपुट आउटपुट का मतलब है कि कोई इनपुट लेगा और उस इनपुट के बेसिस पे कुछ आउटपुट देगा। जावा यूजेस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम टू मेक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फास्ट। अब इसमें जावा में क्या है, स्ट्रीम कंसेप्ट यूज होता है जिससे क्या कर सकते हैं हम कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो कर रहे हैं, मतलब इनपुट ले रहे हैं डेटा या आउटपुट दिखा रहे हैं, उसको स्ट्रीम के थ्रू फास्ट कर सकते हैं। java.io एक पैकेज है, अभी पैकेज के बारे में हमने देखा था पिछले उसमें ब्लॉक में। तो पैकेज है java.io, इसमें क्या क्या है, ऑल द क्लासेस रिक्वायर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो जब हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेंगे तो एक हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो है java.io। वी कैन परफॉर्म फाइल हैंडलिंग जावा बाय java.io API। फाइल हैंडलिंग की जहाँ बात आएगी उसके लिए API हम यूज करेंगे जो है java.io API। और स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ डेटा, मतलब एक डेटा का सीक्वेंस है उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम। और जावा में स्ट्रीम में बहुत सारे बाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीम इज कंपोज्ड ऑफ बाइट्स। इट इज कॉल्ड अ स्ट्रीम बिकॉज इट इज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट कंटिन्यूज टू फ्लो। जैसे वाटर स्ट्रीम होता है उसी तरीके से जावा में स्ट्रीम होता है कि बिकॉज इट कंटिन्यूज टू फ्लो, मतलब बाइट्स हैं इसमें, इट कंपोज ऑफ बाइट्स एंड दीज बाइट्स आर कंटिन्यूज टू फ्लो। और इस जावा में अगर हम बात करें थ्री स्ट्रीम्स आर क्रिएटेड फॉर अस ऑटोमेटिकली, तीन स्ट्रीम जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है जावा। और ऑल दीज स्ट्रीम्स आर अटैच्ड विद द कंसोल, ठीक है, कौन कौन से हैं वो थ्री, सिस्टम डॉट आउट मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम हम करते हैं ना, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, लेकिन उसके लिए कुछ इंपोर्ट तो हमने पैकेज किया नहीं, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जावा हमारे लिए वो प्रोवाइड कर रहा है। सिस्टम डॉट इन भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट एरर का .err है, मतलब स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, एरर को प्रिंट करने के लिए। अब हम इन आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एलएन ना भी लिखो आप एक सिंगल लाइन का अगर आप कर रहे हो कुछ आउटपुट, तो प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैसेज प्रिंट कर देंगे जो मैसेज प्रिंट करना है डबल कोट में डाल के, ठीक है। और उसी तरीके से फिर अगर एरर वाला कुछ प्रिंट करना है एरर मैसेज, तो सिस्टम डॉट आउट, यहाँ आउट था और यहाँ पे एरर, और इनपुट लेना है तो फिर इनपुट के लिए इन होता है, लेकिन उसमें कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इनपुट लेने के लिए कैसे होता है, एक हम डिफाइन करेंगे डेटा वेरिएबल आई, इंट आई, और इनपुट लेना तो सिस्टम डॉट इन डॉट रीड। अब रीड फंक्शन का यूज कर रहे हैं कि जो इनपुट ले रहे हैं उसमें से हम कुछ रीड करेंगे, ठीक है, और उसको आउटपुट कर देंगे। अब दूसरा है आउटपुट स्ट्रीम वर्सेस इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम वर्सेस इनपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम में क्या है, जावा एप्लीकेशन यूजेस एन आउटपुट स्ट्रीम टू राइट डेटा टू अ डेस्टिनेशन। आउटपुट से पता चल रहा है कि जो भी हमने कुछ परफॉर्म किया फंक्शनैलिटीज, उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा। तो जावा में आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके डेटा को किसी डेस्टिनेशन पर राइट करना है, इट मे बी अ फाइल, कोई फाइल हो या एरे हो या किसी डिवाइस पे हो या सॉकेट पे राइट करना हो, ठीक है, किसी भी डेस्टिनेशन पे।
इनपुट मतलब इनपुट लेंगे, ठीक है, टू मतलब रीड करेंगे डेटा को। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, मतलब कंप्यूटर हमारा रीड कर रहा है डेटा को जो हम इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट स्ट्रीम टू रीड डेटा फ्रॉम अ सोर्स, और वो सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फाइल, एरे, पेरिफेरल डिवाइस और सॉकेट। तो अब फाइल से आप रीड भी कर सकते हैं और फाइल में राइट भी कर सकते हैं, उसी तरीके से एरे में रीड भी कर सकते हैं एरे को और एरे में राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये है हमारा सोर्स। सोर्स का क्या हो सकता है, फाइल, कंसोल मतलब जो आउटपुट दिखता है जिस पे हमें वो वाला स्क्रीन, देन सॉकेट। अब यहाँ से सोर्स से हमने क्या किया, इनपुट दिया मतलब रीड करेगा यहाँ से, क्या इनपुट स्ट्रीम दिया, वो तो 0 1 के फॉर्म में ही रीड होगा, ठीक है। अब जावा एप्लीकेशन यहाँ पे आता है, जावा एप्लीकेशन बीच में, ये एज ए इंटरफेस, ये इंटरफेस बीच में है ना काम कर रहा है आपका इंटरफेस का। अब जावा एप्लीकेशन ने जैसे रीड किया, अब उसको आउटपुट दिखाने के लिए क्या करेगा, आउटपुट स्ट्रीम, उसको राइट करेगा कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे, मतलब सोर्स से रीड करके डेस्टिनेशन पे डिस्प्ले करना इसका जावा एप्लीकेशन का काम है। तो जिस तरीके से हमारे इनपुट फाइल से, कंसोल से या सॉकेट से हो सकता था, उसी तरीके से आउटपुट फाइल में, कंसोल में, सॉकेट में कर सकते हैं। आउटपुट स्ट्रीम क्लास, आउटपुट स्ट्रीम क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटपुट स्ट्रीम क्लास की, ठीक है। अभी हमने यहाँ बात किया था इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, अब यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम क्लास, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। इट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेज रिप्रेजेंटिंग एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। जितने भी आपके क्लासेज हैं जो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट स्ट्रीम बाइट्स के, आउटपुट स्ट्रीम को, उनका एक ये सुपर क्लास है। एंड आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्ट आउटपुट बाइट्स एंड सेंड देम टू द सम सिंक। कौन कौन से क्लासेज है आउटपुट स्ट्रीम क्लास, अब यहाँ पे देखिए, एक आउटपुट स्ट्रीम क्लास में एक मेथड की बात करेंगे, तो चार मेथड्स हैं। पहला है पब्लिक वॉइड राइट, ठीक है, राइट ये हमारा फंक्शन है, राइट इस नाम से प्री डिफाइंड है, तो आप अपने राइट आप बना नहीं सकते, प्री डिफाइंड है ये राइट फंक्शन। तो अगर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना, तो राइट आप करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब अंदर क्या है, ये पैरामीटर्स, थ्रोज एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखेंगे कि कैसे एक्सेप्शन को हम थ्रो करते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। दूसरा है पब्लिक वॉइड राइट बाइट, बीच यहाँ पे क्या था, इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे है दूसरा एरे, एरे ऑफ क्या, बाइट, बाइट्स का एरे, 0 1 0 1 उसका एरे। तीसरा है वॉइड फ्लश मतलब मेमोरी फ्लश करने के लिए, ठीक है, और चौथा है क्लोज, ये करंट आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे चार मेथड्स हैं आउटपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर। अगर इसको आप ऐसा समझोगे जैसे हमने पैकेज में देखा था, उसी तरीके से आउटपुट स्ट्रीम फर्दर डिवाइडेड है पांच में, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट, एरे आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। अब इनमें से फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम फर्दर तीन पार्ट में है, डेटा आउटपुट, बफर्ड आउटपुट और प्रिंट स्ट्रीम। यह है आउटपुट स्ट्रीम की हायरकी। अब स्ट्रीम और स्ट्रीम क्लासेस, ये दोनों में क्या है डिफरेंस, द जावा मॉडल फॉर इनपुट आउटपुट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द स्ट्रीम। जो जावा में इनपुट आउटपुट मॉडल है वो टोटली आपका बेस्ड है स्ट्रीम पे, और दो टाइप के स्ट्रीम हो सकते हैं, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम में क्या होगा, इंटीजर वैल्यू कैरी करेगा जिसका रेंज होगा 0 to 255। बाइट का मतलब क्या हो गया, एक बाइट, तो एक बाइट में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहीं तक हो सकते हैं। 8 बाइट में कितने होते हैं बिट्स, 8 बिट्स, तो 0 1 0 1 जो ये बिट्स होते हैं ना, ये तो 8 बिट्स ही, 8 बिट्स का यूज करके आप 0 से 255 तक ही प्रिंट कर सकते हैं।
जैसे 255 के आगे जाएंगे तो आपके 8 बीट में यानी कि 1 बाइट में वो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए। और डाइवर्सिफाइड डेटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइट फॉर्मेट इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल डेटा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स एंड बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, जब आप कंपाइल करते हैं अपने जावा प्रोग्राम को, डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हैं, तो जावा जो आपका एनवायरनमेंट JDK होता है वो एक हमारा क्लास फाइल बना देता है, उस क्लास फाइल में जो भी कोड होता है उसको कहते हैं बाइट कोड। ऑटोमेटिक जैसे आप कंपाइल करेंगे और कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, तुरंत आपका एक नया फाइल बन जाएगा क्लास फाइल डॉट क्लास करके। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया एनिमल डॉट जावा, जैसे कंपाइल करोगे तो एनिमल डॉट क्लास करके उसी फोल्डर में बन जाएगा आपका नया फाइल, जिसे हम बोलते हैं बाइट कोड। कैरेक्टर स्ट्रीम्स, ये होता है बाइट स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बाइट स्ट्रीम दैट कैन हैंडल ओनली टेक्सचुअल डेटा। अब इसमें टेक्स्ट की बात आई तो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा को, और बाइट वाले में क्या था कि आपका इंटीग्रल डेटा को यूज हो रहा था। इनपुट स्ट्रीम क्लास, जैसे हमने आउटपुट स्ट्रीम क्लास देखा था वैसे इनपुट स्ट्रीम क्लास के मेथड्स हैं इंट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट रीड, ठीक है, रीड करेंगे इनपुट करने के लिए, क्या रीडिंग करेंगे, रीड करेंगे, चेक करेंगे कोई चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, या क्लोज करेंगे जब हमारा काम हो जाए। तो ये इनपुट स्ट्रीम क्लास के मेथड्स हैं। अब इसकी हायरार्की क्या है, इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट, बाइट एरे इनपुट, फिल्टर इनपुट, पाइप्ड इनपुट, ऑब्जेक्ट इनपुट। और फिल्टर इनपुट में यहाँ पे 3 हैं, डेटा इनपुट, बफर इनपुट एंड पुश बैक इनपुट। कुछ हमारे स्ट्रीम्स होते हैं जो प्रीडिफाइंड होते हैं, किसी पैकेज के अंदर होंगे, तो वो पैकेज कौन सा होता है, ठीक है। तो जावा ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट्स द जावा डॉट लैंग पैकेज, तो जावा डॉट लैंग पैकेज जो है ये जावा ऑटोमेटिकली उसको इम्पोर्ट कर लेता है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होता है। दिस पैकेज डिफाइंस अ क्लास कॉल्ड सिस्टम, इस पैकेज में क्या होता है सिस्टम, करते हैं ना हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो सिस्टम बाई डिफॉल्ट आ रहा है ना, हमने कोई पैकेज तो यूज़ नहीं किया कोई प्रोग्राम करने में, सिंपल प्रोग्राम में भी, बट हम उसमें एक लाइन लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, तो वो कहाँ से आ रहा है, ये इस पैकेज से आ रहा है, लैंग पैकेज से, जो ऑटोमेटिकली जावा इंपोर्ट कर रहा है। और इस सिस्टम में ये सिस्टम जो है एनकैप्सुलेट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट, ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स 3 प्रीडिफाइंड स्ट्रीम, कौन कौन से होते हैं, इनपुट, अभी पिछले स्लाइड में बताया था, डॉट आउट, डॉट इन, डॉट एरर, ये तीनों थे ना, तो मतलब इनपुट, आउटपुट और एरर, ये तीनों मेथड जो है यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक एंड स्टैटिक विद इन सिस्टम। तो लैंग पैकेज है, उसके अंदर जो सिस्टम क्लास है उसमें इन, आउट और एरर, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिक्लेयर होते हैं एज पब्लिक एंड स्टैटिक। दिस मीन्स दे कैन बी यूज्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम विदाउट रेफरेंस टू योर सिस्टम ऑब्जेक्ट, एंड एक्सेस टू स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम्स आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक स्टैटिक्स, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर, ऐसे हम लिखते हैं, एंड दीज आर ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड विद यूजर्स कीबोर्ड एंड स्क्रीन। थोड़ा सा और डिटेल में इसमें आप तीनों को देखते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स को, ये ऑब्जेक्ट्स हैं 3, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन एंड सिस्टम डॉट एरर। तो सिस्टम डॉट आउट मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बाय डिफॉल्ट दिस इज द कंसोल, मतलब आउटपुट जिस पे हमें दिखता है। सिस्टम डॉट इन ये स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, कीबोर्ड इनपुट, कहाँ से दे रहे हैं, कीबोर्ड से। सिस्टम डॉट एरर स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, विच ऑल्सो इज कंसोल बाय डिफॉल्ट, एरर कहाँ पे दिखेगा हमें, कंसोल पे। तो दो चीजें
कंसोल और एक कीबोर्ड इनपुट के लिए। सिस्टम डॉट इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम, ऑब्वियसली इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। सिस्टम डॉट आउट एंड एरर दोनों आउटपुट ही देते हैं कंसोल पे, तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट कर रहे हैं दोनों वैल्यूज। दिस आर बाइट स्ट्रीम इवन दो दे टिपिकली आर यूज टू रीड एंड राइट कैरेक्टर्स फ्रॉम एंड टू द कंसोल। कंसोल से कैरेक्टर को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रीम प्रीडिफाइंड होता जो द प्रीडिफाइंड प्रिंट स्ट्रीम आउट एंड एरर विद इन सिस्टम क्लास, सिस्टम क्लास के अंदर ये होते हैं, आर यूजफुल फॉर प्रिंटिंग डायग्नोस्टिक व्हेन डिबगिंग जावा प्रोग्राम एंड एप्लेट। डायग्नोस्टिक का मतलब अगर कोई एरर है डायग्नोस करना एरर, तो उसको प्रिंट करने में भी ये यूज होते हैं। और स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन इज अवेलेबल फॉर री सिस्टम डॉट आउट। एक नया ऑब्जेक्ट है री सिस्टम डॉट आउट जो रेफर करता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को, और बाय डिफॉल्ट ये भी कंसोल होता है। तो इसमें ज़्यादातर अभी देखिए थ्योरी है, जब इसका लैब का करेंगे तो उसमें समझ में आएगा प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। इसमें देख लेते हैं, एक ये चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे, कुछ मेथड्स हैं और उसके डिस्क्रिप्शन। एक मेथड है इंट रीड, मतलब सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है मेथड। दूसरा है इंट रीड, अब लेकिन यहाँ पे क्या है पैरामीटर्स कैर एरे है, एरे टाइप का है, जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है वो एरे हो गया। इंट ऑफ इंट लेंथ, मतलब इट इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर इन टू अ पोर्सन ऑफ एन एरे। कैरेक्टर को रीड करेगा कैसे पोर्सन में। देन बुलियन रेडी, जो इंट ये है ना डेटा टाइप, यहाँ डेटा टाइप यूज कर दिया बुलियन रेडी। ये क्या करता है, इट इज यूज टू टेल वेदर द स्ट्रीम इज रेडी टू बी रेड, रीडिंग करने के लिए वो रेडी है कि नहीं है ये बताएगा। दूसरा है मार्क सपोर्टेड, मार्क सपोर्टर मतलब जो आपका स्ट्रीम है उस सपोर्ट, इट इज यूज टू टेल वेदर द स्ट्रीम सपोर्ट मार्क ऑपरेशन या नॉट। मार्क सपोर्टर मतलब मार्क को सपोर्ट कर रहा है, मार्क ऑपरेशन एक है उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। लॉन्ग स्किप, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्किप कर सकता है। देन वाइड मार्क, ये मार्क है आपका जो पोजीशन है प्रेजेंट पोजीशन है स्ट्रीम में उसको मार्क करने के लिए यूज होता है। देन रिसेट एंड क्लोज, रिसेट मतलब स्ट्रीम को रिसेट करने के लिए और क्लोज मतलब क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जावा स्ट्रिंग रीडर, एग्जांपल जावा में स्ट्रिंग रीडर है उसका एग्जांपल। तो इम्पोर्ट, एक पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे जावा डॉट आई ओ डॉट स्ट्रिंग रीडर, एक पैकेज है ये, इसको हम इम्पोर्ट कर लिया हमने और क्लास बनाएंगे। अब पैकेज है तो पैकेज के बाद क्या लगता है हमें सेमी कोलन, इसके बाद क्लास बनाया हमने, क्लास का नाम दे दिया स्ट्रिंग रीडर एग्जांपल। अब इसके अंदर मेन फंक्शन बना दिया और एक्सेप्शन कोई है तो थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखेंगे कि ये हम क्यों यूज करते हैं। देन एक हमने क्या बनाया यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल एस आर जी, जिसके अंदर हमें डबल स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में वैल्यू होंगी, तो इनिशियलाइज कर दिया हेलो जावा और न्यू लाइन में वेलकम टू जावा जो भी है। दूसरा हमने क्या किया कि स्ट्रिंग रीडर हमारा क्या है यहाँ पे पैकेज है, तो पैकेज का नाम और रीडर ये ऑब्जेक्ट बन गया उसका, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो क्लास का नाम और ये लगाते थे, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया रीडर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया k इक्वल टू जीरो और एक लूप चला दिया कि वाइल k इक्वल टू रीडर डॉट, मतलब ये रीडर डॉट रीड, जब तक रीड कर रहा है जब तक -1 वो नल ब्लैंक ना आ जाए तब तक जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करे, ठीक है। तो किसी फाइल को यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है, फाइल को रीड करेंगे और जब तक वो ब्लैंक ना हो जाए सारा कुछ, जब तक एक एक कैरेक्टर वो सारा प्रिंट करेगा।
दूसरा जैसे इनपुट के साथ इनपुट स्ट्रीम और प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर में क्या होता है, राइटर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन होता है ये, और इसका यूज़ करके हम फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट के जो फॉर्मेटेड रिप्रेजेंटेशन है उसको प्रिंट कर सकते हैं। जिससे कहाँ पे करेंगे इसको, आउटपुट स्ट्रीम पे, कंसोल पे। इस तरह का जो क्लास है उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक क्लास प्रिंट राइटर एक्सटेंड्स राइटर। एक हमने क्लास बनाया, ठीक है, प्रिंट राइटर, जो किसको एक्सटेंड करेगा, राइटर को। ये क्या इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे, एग्जांपल है।